कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने हल्द्वानी के एसडीएम कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रजिस्टर में कर्मचारियों की उपस्थिति चेक की, साथ ही सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय और प्राधिकरण कार्यालय भी चेक किया। कुमाऊं कमिश्नर ने गंदगी मिलने और पार्किंग में खामियां मिलने पर कड़ी नाराजगी जताई। वहीं कार्यालय में सुरक्षा व्यवस्था भी सही नहीं पाई गई। कमिश्नर दीपक रावत ने बताया कि लंबे समय से काफी शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद यह निरीक्षण किया गया। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। तो इसमें एक तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं, समय समय पे ऑफिस को देखा जाए, लोग समय पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। टाइम पे आने की तो पहली इशू है। दूसरा मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो ऑफिस हैं आजकल, इनकी सिक्योरिटी को लेके भी मैं ध्यान दे रहा हूँ इस पर कि क्या पे ड्यूटीज़ हैं या नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं बड़े महत्वपूर्ण भी मैंने उसमें यहाँ पर कमी पाई। और ऐसे भी दिन में कुछ कुछ इंटरवल्स आ रहे हैं जिसमें कि कोई भी ऑफिस में नहीं, क्योंकि ठीक नहीं। तीसरा जो कूड़े का निस्तारण ऑफिस का है, अंदर ही ऑफिस के अगर पड़ा हुआ, ये पब्लिक ऑफिस है, व्यवस्था को ठीक करने के लिए निर्देशित किया गया। चौथा, जब कोई छुट्टी के लिए आवेदन करता है, पहली बात तो बायोमेट्रिक होना चाहिए। बायोमेट्रिक का मुझे लगता है यहाँ पे है नहीं या ख़राब हो गया होगा, लेकिन अगर बायोमेट्रिक की वजह से ख़राब भी होता है, जिस भी डेट को कोई अगर छुट्टी की आवेदन करता है तो जिस तारीख को अप्लाई कर रहा है डेट तो आखिरकार डालेगा कि कब अप्लाई कर रहा है, प्लस जो उसने डाल दिए है वो कहीं उसका अंकन भी होगा। तो ये मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे नहीं, तीन लोग मुझे ऐसे मिले जो थे नहीं यहाँ पे, और कुछ लोग ऐसे भी मिले जिनका कोई भी यहाँ पे काम नहीं था, कोई वैलिड कारण भी नहीं बता पाए कि क्यों आए हुए हैं।